अल्लाह सुबहाना ताला ने सूरा तौबा की आयत नंबर 136 में फरमाया, इन इद्दत शहूर इंदल्लाही, बेशक महीनों की तादाद अल्लाह के पास कितनी है? 2 और 10 महीने। कहाँ पर? फी किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब में। कब से? यौम खलक समावाती वलर, जब से ज़मीन आसमान बने। इनमें क्या है? मिन्हा अरबातु हुरम, इनमें 4 महीने हराम है। ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم, यही दीन सीधा है, तुम इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म ना किया करो। तो गोया सूरह तौबा की आयत वाज़ेह तौर पर बता रही है कि 4 महीने हुरमत वाले हैं। ये महीने उम्रे और हज के महीने हैं, रजब, ज़िकात, ज़िलहज और मुहर्रम के महीने, बिकॉज़ उन दिनों में लूट मार, रहज़नी, डकैती बहुत ज़्यादा होती थी। तो अरब में आज़मीने उम्रा और हज के सफ़र को साउंड एंड सेफ बनाने के लिए अल्लाह ने इन महीनों में कत्ल, लूट मार, रहज़नी, डकैती को हराम कर दिया, सो दैट उनका सफ़र जो है वो आसान हो जाए। तो मुहर्रम का महीना इस हवाले से उन 4 हुरमतों वाले महीने में एक महीना है। इन महीनों में, इस महीने में गोया करने के काम क्या होंगे, हमें पता चलता है कि हजतुल विदा के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 4 महीनों के हवाले से जो हुरमत का तस्करा है फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजतुल विदा के मौके पर फरमाया कि हर मुसलमान की जान, माल, इज्जत और आबरू दूसरे मुसलमान के लिए उतनी ही हराम है जितना आज का ये दिन, ये शहर और ये महीना। तो गोया इस महीने में, मुहर्रम के महीने में, जो बुनियादी हमें चीज़ ख्याल, जिस चीज़ की अहमियत का ख्याल रखना ज़रूरी है, इस महीने की हुरमत का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो लिहाजा इस महीने में करने से जो परहेज़ करना है, हर किस्म का ज़ुल्म, ज़ियाती, फितना, फसाद और अल्लाह के हराम करदा महीनों में, हराम करदा चीज़ों की फहरिस्त जो है उससे इज्तनाब करना, इस महीने में ये काम जो है इससे हमें इज्तनाब करना है। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग वी डू नॉट हैव टू डू इन द मंथ ऑफ मुहर्रम। में फिर दोहरा रही हूँ, क्या नहीं करना? किसी भी किस्म का जुल्म, ज़्यादती, फितना, फसाद, फिरकावारियत और अल्लाह सुबहाना ताला ने जो चीज़ें हराम की हैं, इन तमाम चीज़ों से इज्तनाब, इस महीने में इसका ख़ास एहतमाम और ख़ास ख्याल रखना है। अगर हम देखें तो पूरे महीने में से 10 मुहर्रम, आशूरा का दिन, इसकी एक बहुत ही अहमियत और फजीलत हदीस और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से साबित भी है। और अगर इस दिन के कुछ तारीखी वाक़ियात का तस्करा करूं तो ये सही अहदीस से साबित है कि हज़रत नूह अलैहि सलाम तूफ़ान नूह के बाद जब अल्लाह सुबहाना ताला के हुक्म की अतात में वो ख़ुद भी और अपने साथियों को लेकर और हर चीज़ के दो दो जोड़े को लेकर जब वो अपनी कश्ती पर सवार हुए थे, तो हमें सही अहदीस से पता चलता है कि उस दिन 10 मुहर्रम की तारीख थी। इसी तरह इस तारीख के हवाले से हमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कौम पर भी अल्लाह सुबहाना ताला के इनाम का हवाला पता चलता है कि 10 मुहर्रम ही की तारीख थी जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके बनी इसराइल की कौम के पैरोकार जो हैं उनको अल्लाह सुबहाना ताला ने फिरौन की ग़ुलामी से निजात दी थी और उनकी आँखों के सामने फिरौन को गरकाब करके उनके दिलों को ठंडा भी किया था और उनसे उनके इंतकाम की आग को भी बुझाया था। इसके अलावा कुछ वाक़ियात लोग 10 मुहर्रम के साथ मंसूब करते हैं, जैसे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का शिफा याब होना और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का मछली के पेट से निकलना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा की कबूलियत का दिन। लेकिन ये वाक़ियात जो हैं वो सही अहदीस से साबित नहीं हैं। वल्लाहु आलम इनमें क्या हकीकत है कि नहीं, लेकिन बहरहाल ये चीज़ें सही हदीस से साबित नहीं हैं। तो अब आगे चलने से पहले मैं यही बात करना चाहूँगी कि फिर इन दिनों में करने के काम क्या हैं। मुहर्रम के हवाले से फजीलत बुनियादी तौर पर यौम आशूरा और 10 मुहर्रम की है। जैसे हम देखते हैं कि रमज़ान के तो सारे महीने के रोज़ों की फर्जियत है और ज़िलहज के पहले 9 और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से 10वां भी, जो हम अशरे ज़िलहज में बात पहले कर चुके हैं, लेकिन मुहर्रम के हवाले से आशूरा के दिन की फजीलत मौजूद है।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला की रवायत से मिश्कात में हदीस आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के बाद अल्लाह के महीने के रोज़े मुहर्रमुल हराम के रोज़े हैं। तो लिहाजा ये 10 ज़िलहज का 10 मुहर्रम का रोज़ा जो है वो इसकी फजीलत है। हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह तआला की रवायत से आशूरा के रोज़े के हवाले से हदीस के अल्फाज हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आशूरा का रोज़ा मुझे अल्लाह के करम पर उम्मीद है कि पिछले साल का कफ़ारा बना देगा। और ये मुस्लिम और तिर्मिज़ी की हदीस है। इसी तरह हज़रत सलमा बिन अकबा रज़ी अल्लाह तआला की रवायत से हदीस के अल्फाज आते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हवाले से हमें पता चलता है कि सहाबा फरमाते हैं कि जब 10 मुहर्रम का दिन था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सुबह ही सुबह मदीना के सारे शहर में भी और मदीना के इर्द गिर्द जो इलाके थे मुज़ाफ़ात में भी आपने इत्तला भेज दी कि जिन लोगों ने ना अभी तक खाना नहीं खाया वो आज रोज़ा रखेंगे और जिन्होंने कुछ खा पी भी लिया है ना वो भी बाकी दिन कुछ खाएंगे नहीं बल्कि रोज़ेदारों ही की तरह गुजारेंगे। तो ये गोया 10 मुहर्रम आशूरा के दिन के रोज़े की ताकीद थी। और हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला की रवायत से मुस्लिम अहमद और नसाई की हदीस आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी 4 अमल ऐसे थे, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला ना फरमाती हैं कि 4 अमल ऐसे थे जो आपने कभी नहीं छोड़े थे। उनमें सबसे पहला अमल जो है वो यौम आशूरा का रोज़ा है, अशरा ज़िलहज के रोज़े हैं और फजर से पहले यानी फजर के जो 2 फ़र्ज़ हैं उससे पहले की 2 रकतें और हर माह के 3 रोज़े हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक रोज़े कितने अहम हैं। हम सभी मुसलमान फजर की 2 सुन्नतों को छोड़ने का तो तसव्वुर ही अपनी ज़िंदगी में नहीं कर सकते और हमें फजर की 2 सुन्नतों की अहमियत पता है कि आपने ना इनको कभी कसर नमाज में छोड़ा ना आपने इनको कभी कज़ा नमाज में छोड़ा और हमारी ज़िंदगी में भी कभी इनको छोड़ने का कोई तसव्वुर नहीं। और फजर की नमाज और फजर की 2 सुन्नतों की अहमियत हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं लेकिन आप उतनी ही अहमियत यौम आशूरा के रोज़े और अशरा ज़िलहज और हर माह के 3 रोज़ों को देते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला की रवायत से मुस्नद अहमद की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा रखो और यहूद से मुखालिफत करो। तो ये क्या मुखालिफत का तसव्वुर था? असल में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला की रवायत से एक और हदीस भी आती है, मुस्लिम में सही हदीस है कि जब आपने ना 10 मुहर्रम के रोज़े की ताकीद की तो सहाबा इकराम ने आके इस बात की निशानदेही की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूद और ईसाई भी इस दिन की तज़ीम करते हैं। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर हम आइंदा साल ज़िंदा रहे तो फिर हम 9 का रोज़ा भी रखेंगे। और इसी तरह बुखारी और मुस्लिम में मुत्तफिकुन अलैह हदीस हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला की रवायत से आती है कि आप जब मदीना तशरीफ़ लाए तो आपने यहूद को 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हुए देखा तो आपने उनको दरियाफ़ किया कि तुम इस दिन का रोज़ा क्यों रखते हो। तो उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो दिन था कि जब मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह सुबहाना ताला ने इनाम किया था और अल्लाह ने उनको निजात दी थी फिरौन से, फिरौन को गरकाब किया था। तो उस हवाले से हम मूसा अलैहिस्सलाम भी इसके बाद रोज़ा रखते थे और हम भी फिर उनके इत्तबा में रोज़ा रखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम फिर मूसा अलैहिस्सलाम से तुमसे ज़्यादा नस्बत रखते हैं और फिर इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी रखा और आपने इसकी ताकीद भी फरमाई। तो लिहाजा अगर मैं सम अप कर लूँ कि इन दिनों में करने वाला जो काम है वो क्या है, 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना है और आशूरा के रोज़े को यहूद और ईसाइयों के तरीके से अलग करने के लिए या तो 9 मुहर्रम को रोज़ा रखना है और अगर कोई बीमार है, सफ़र पर है या हैज की हालत की वजह से 9 को रोज़ा नहीं रख सकता तो फिर 10 को 11 के साथ मिलाना है। तो 9 और 10 या 10 और 11 का रोज़ा रखना ये वाहिद अमल है जो मुहर्रम में करने का अमल हमें सही अहदीस और सुन्नत से साबित है और हमें किसी और हदीस और किसी और मसनून अमल से बाकी पहले 10 दिनों में या बाकी का महीना रोज़ा रखना या कोई अलग इबादत करने का कोई तसव्वुर हमें हदीस और सुन्नत से वाज़ेह तौर पर मौजूद नहीं होता। तो यही करने का काम है और यही बुनियादी तौर पर डोंट्स और डूज ऑफ मुहर्रम है जो हमें हदीस और सुन्नत से पता चलती हैं। और वैसे अगर हम देखें तो ये हम सभी जानते हैं कि हिजरी साल का आगाज़ जो है वो मुहर्रम के साथ होता है
तो चूंकि हमारे एक नए साल का आगाज़ हो रहा है, तो इस नए साल के आगाज़ के साथ हमें ये भी ज़रूरी अपनी एक रूटीन बनानी चाहिए, और ये कि हम अपने पिछले साल ही नहीं बल्कि पिछले सारी ज़िंदगी के कमियों, कोताहियों, गुनाहों के लिए हम तौबा भी करें, तायब होके अपने रब की तरफ भी पलटें और अब इस्तग़फ़ार और बख्शिश तलब करें, और साथ ही आइंदा आने वाले साल और बाकी जो ज़िंदगी की मोहलत अमल है उसमें इस्लाह का वादा भी करें। इस इस्लाह में अल्लाह से मदद भी मांगे और इस्लाम में अल्लाह ताला से साबित करने भी मांगे। अल्लाह सुबहाना ताला हम सब की नेकियां, हम सब की हसनात कबूल फरमाए और हमारी और हम सब के फौज शुदगान की सयाद को बख्श दे। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब।